ये 88 रुपए किलो, 93 रुपए किलो, 25 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, 28 रुपए किलो, 64 रुपए किलो। कहते हैं जितना पुराना हो उतना अच्छा होता है। अच्छा, अंधेरी जगह पर और सूखी जगह पर रखो। चावल जो आप 78 रुपए किलो देख रहे हैं, ये मार्केट में 278 रुपए किलो भी आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो चावल आपको यहाँ पर 100 रुपए किलो मिलेगा, बाजार में आपको वही चावल कई गुने रेट पर मिलता है। उसे नमी से ही बचाना होता है आपको। इस समय हूँ पुरानी दिल्ली, दिल्ली 6 में, और मेरे पीछे है नया बाजार। ये दाल और चावल की दिल्ली की होलसेल मार्केट है, थोक मार्केट है। अगर आप मेट्रो से आते हैं तो आपको नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और 30,000 मेट्रो स्टेशन से रिक्शा मिल जाएगा। आप वहां से 10 रुपए में यहां पर पहुंच सकते हैं। नया बाजार में जैसे ही आप एंटर करेंगे तो इसके एक तरफ चावल की दुकानें हैं और दूसरी तरफ दालों की दुकानें हैं। तो आज मैं आपको चावल की सारी मार्केट दिखाऊंगी और अगली वीडियो में दालों की भी होलसेल मार्केट दिखाऊंगी। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं लाल रंग की बिल्डिंग, इसको बोलते हैं हेरिटेज बिल्डिंग। ये यहां का लैंडमार्क है। तो अगर आप नए बाजार आना चाहते हैं तो आप रिक्शे वाले को मेट्रो स्टेशन पर बोलिए कि मेरे को हेरिटेज बिल्डिंग जाना है या नया बाजार जाना है। ना भैया, यही बोलते हैं ना। अगर आप कोई रिक्शे में बैठेगा तो आपको बोलेगा तो नया बाजार जाना है, क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि मेरे को लाहौरी गेट जाना है। हेरिटेज बिल्डिंग के आगे ये जो चौराहा है, इसका नाम है लाहौरी गेट चौराहा। तो आप लाहौरी गेट चौराहा पहुंच सकते हैं रिक्शे से। 10 रुपए सवारी में आप मेट्रो स्टेशन से यहां पर पहुंचकर सीधा नया बाजार में जा सकते हैं। दाल और चावल खरीदना चाहते हैं व्यापारी आदमी है तो आपको पुराने दिल्ली की नया बाजार मार्केट में आना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मर्चेंट्स हैं जो कि दाल और चावल होलसेल रेट में यहाँ पर बेचते हैं। और यहाँ पर बेचने का मतलब है पूरे इंडिया में सप्लाई। जो भी मर्चेंट्स यहाँ पर दाल और चावल का काम करते हैं उनकी सप्लाई पूरे भारत में होती है। तो यानी कि पूरे भारत में दाल और चावल जो भी आप मिलता है वो दिल्ली की नया बाजार मंडी से ही जाता है। तो चलिए आज सैर करते हैं पुरानी दिल्ली की नया बाजार थोक मंडी। पुरानी दिल्ली से आते हैं तो बिल्कुल सामने वाली रोड जो आपको जा रही है ना, ये पुरानी दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर ही पहुंचती है और ये वाली 30,000 मेट्रो स्टेशन को जाती है। और मेरे लेफ्ट हैंड में जो रास्ता जा रहा है वो जाएगा नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन के लिए, जहाँ से आपको 10 रुपए में ही रिक्शा मिल जाएगा नया बाजार लाहौरी गेट के लिए। ये जो सामने आपको बोर्ड लगा दिखाई दे रहा है, ये लाहौरी गेट चौक है। यहीं से ही नया बाजार की शुरुआत होती है। ये लाहौरी गेट का चौराहा है और यहाँ से 10 कदम की दूरी पर लाहौरी गेट का थाना है। तो आप लाहौरी गेट थाना भी पहुँचेंगे तो भी आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर इस तरह के बैटरी रिक्शा चलते हैं जो 10-10 रुपए में आपको यहाँ पर ले आते हैं। ये लोकेशन आप देख सकते हैं, सामने हेरिटेज बिल्डिंग है। लाहौरी गेट के इस चौराहे से अगर आपको सदर जाना है तो आप इस रास्ते से अंदर सदर पहुंच सकते हैं। पीली कोठी को भी यही रास्ता जाता है। और अगर आपको जाना है चांदनी चौक तो आप इस रास्ते से चांदनी चौक पहुंच सकते हैं। इस तरफ आप मुड़ जाएंगे तो चांदनी चौक आ जाएगा और इस तरफ जाएंगे तो अजमेरी गेट आ जाएगा। नया बाजार की शुरुआत में ही 3090 नंबर दुकान है जहाँ पर चावल मिल रहा है। 25 किलो के कट्टे हैं और इनके पास 78 रुपए किलो से लेकर 100 रुपए किलो तक के रेट है। ये वाला चावल 78 रुपए किलो है, लेकिन इसमें ना थोड़े से कच्चे दाने हैं, ये देख रहे हैं आप सफेद वाले। और ये वाला है ना, ये 88 रुपए किलो है, ये उससे बेटर है। और ये 93 रुपए किलो है ये वाला, ये बहुत अच्छा चावल है। और ये 99 रुपए किलो वाला है ना, ये इससे भी अच्छा है, ये 25 रुपए किलो पड़ेगा। ये किनकी है जिससे मैं खिचड़ी बना सकते हैं, डोसा इडली बना सकते हैं। ये 26 रुपए किलो की किनकी है। तो ये किनकी चावल है, ये 27 रुपए किलो की है और ये 29 रुपए किलो की है। और ये वाली 30 रुपए किलो की किनकी है। तो ये किनकी ना खिचड़ी बनाने में बहुत अच्छी रहती है। और भी इनके पास वैरायटी बहुत सारी है, बहुत सारी वैरायटी है, इन पे रेट भी लिखे हैं। जैसे ये वाला है ना, ये 30 रुपए किलो है, ये वाला 30 रुपए किलो है, लेकिन कट्टा लेना पड़ेगा 25 किलो का। तो ये इतनी सारी वैरायटी है, आप झूम करके देख सकते हैं, ये देखिए। और इनके पास इस तरह के कट्टे मिलेंगे आपको, चावल 1 किलो नहीं मिलेगा यहाँ पर। ये 40 भैया, 25 किलो का कट्टा ही लेना पड़ेगा ना।
कट्टा ही लेना पड़ता है, कट्टा ही लेना पड़ेगा। ये 2750 रुपए, यानी कि 27 रुपए 50 पैसे किलो पड़ेगा ये वाला। ये चावल अच्छा है, ये मोटा चावल ना बहुत बढ़िया बनता है, गोल गोल। और ये 28 रुपए किलो का है ये वाला, 29 रुपए किलो। ये 28 रुपए किलो चावल बहुत बढ़िया है, ये देखो। और अगर आपको ये वाला चावल पसंद है ना, ये वाला, ये देखो ये वाला चावल, ये 64 रुपए किलो है। बहुत लोग ये वाला चावल खाते हैं, पीला चावल। और एक ये चावल है, ये देखो चावल का साइज देखो, क्वालिटी। ये है 80 रुपए किलो। ये देखो ये वाला, चावल अगर ये वाला किनकी वाला चाहिए तो ये वाला, ये देखो ये वाला कट्टा आएगा 25 किलो का। इस तरह यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, ये वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी है, ये राइस वाले हैं। यहाँ पर भी इन्होंने इस तरह सैंपल लगा रखे हैं, ये राजधानी है। और इस तरह ये पूरी की पूरी मार्केट जो नया बाजार की है ना, यहाँ पर चावलें बहुत मिलते हैं, चावल ही चावल है। श्री जैन राइस इंडिया कंपनी, ये देखिए सामने चावल ही लोड हो रहा है। और इन्होंने इस तरह से सैंपल लगाए होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चावल के सैंपल लगे होते हैं। और ये 25 किलो के कट्टे में ही मिलते हैं, है ना भैया? 25 किलो का कट्टा मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। अगर आपको घर के लिए चावल चाहिए, और चावल तो कहते हैं पुराना जितना उतना अच्छा होता है, तो आप इसको स्टोर करने के लिए क्या करें? जैसे चावल अगर हम घर में 25 किलो ले आए तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, तो फिर क्या करते हैं उसमें चावल में जो कीड़े ना पड़े? अच्छा, अंधेरी जगह पर और सूखी जगह पर रखो, अच्छे से ढक कर रखो। और उसमें अगर थोड़ी सी लौंग और तेज पत्ता डाल, ये चावल जो आप 78 रुपए किलो देख रहे हैं, ये मार्केट में 278 रुपए किलो भी आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं रहती हूँ अशोक विहार में, और वहाँ पर इसके चावल की 200 रुपए से कम कीमत बिल्कुल नहीं है। और आप दोस्त अगर सोच रहे हैं कि 25 किलो का मैं कट्टा खरीद रहे हूँ और 25 किलो का कट्टा खराब हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। चावल जितना पुराना होता है, चावल उतना ही बढ़िया होता है। आप इसको सेफ्टी से रखेंगे तो चावल बिल्कुल खराब नहीं होगा। 25 किलो आप चावल लेकर जाइए और आपको चौथाई कीमत में चावल पड़ेगा। ये सामने भी चावल की दुकानें हैं, ये देख सकते हैं। और ये भी बाबू राम, कालू राम, इस तरह की दुकानें हैं। और इस तरह चावल लोड हो रहे हैं, ठेले होते हैं, लोड होकर जाता है, क्योंकि ये होलसेल मार्केट है यहाँ पर, तो होलसेल में ही सामान यहाँ पर बिकता है। अधिकतर यहाँ पर कट्टे के कट्टे जाते हैं, बोरे के बोरे बिकते हैं। आप देख सकते हैं जय दुर्गा ट्रेडर्स, श्री हनुमान एग्रो फूड्स, इस तरह की दुकानें हैं। और यहाँ पर थोक में चावलों की सप्लाई होती है, इस तरह कट्टे लोड होते हैं और बिकते हैं। जो चावल आपको यहाँ पर 100 रुपये किलो मिलेगा या 50 रुपए किलो मिलेगा, बाजार में आपको वही चावल कई गुने रेट पर मिलता है, क्योंकि आप खरीदते हैं रिटेल में और यहाँ पर मिलता है थोक में। ओम प्रकाश, महेंद्र कुमार, नया बाजार। ये सारी नया बाजार की जो मार्केट है, ये सारी ही चावल की मार्केट है। ये देख सकते हैं आप, गुफा ओवरसीज। और इस तरह के ठेलों पर माल लोड होता है, चावल लोड होता है, और देश के कोने कोने में जाता है। जितने भी रिटेलर्स होते हैं, आपके आस पास के रिटेल स्टोर्स होते हैं, वो सब यहीं से ही सप्लाई जाती है चावलों की। तो ये है चावलों की मार्केट, होलसेल मार्केट दिल्ली की, चावल की, जहाँ से दिल्ली से चावल सभी जगह सप्लाई होता है और इस तरह ठेलों पर लादा जाता है। ये देखिए, और इस तरह के ये दुकानें हैं, दीपक कुमार, सुरेश कुमार, नया बाजार, ये देख सकते हैं आप। वो इस तरह की होलसेल मार्केट्स में आपको चावल बहुत बढ़िया क्वालिटी का मिलता है और बहुत अच्छे रेट पर मिलता है। नया बाजार कैसे आना है, इसका रास्ता मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझा चुकी हूँ, आप बहुत आसानी से पहुँच जाएंगे। और चावल एक ऐसी चीज है जो सभी के घरों में खपता है, और चावल एक ऐसी भी चीज है जो जितना पुराना होता जाए उतना ही अच्छा होता है, उसकी खुशबू बढ़ जाती है, उसका टेस्ट बढ़ जाता है। गोपी राम, हरी राम।
मैंने इस वीडियो में बहुत सारी दुकानें कवर करी हैं, आपको बहुत अच्छे से क्वालिटी दिखाई है, बोर्ड्स भी मैं साथ में दिखाती जा रही हूँ। अगर आप जूम करके देखेंगे तो आपको इनके फोन नंबर भी मिल जाएंगे। अगर आप व्यापारी आदमी हैं तो आप एक दो जनों से फोन करके बात कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर पहुँच कर यहाँ से सीधे डिलीवरी लेकर जा सकते हैं। 25 किलो का कट्टा मिलता है कम से कम, और जो भी यहाँ पर रेट लिखे हैं किसी भी चीज़ में वो 100 किलो के लिखे हैं, तो आप उसी हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने रुपए किलो पड़ेगा। और एक कट्टा, दो कट्टे, चार कट्टे, आप जितना भी यहाँ से चावल लेकर जा सकते हैं। ये पूरी वीडियो मैंने चावल के ऊपर बनाई है, अगर मैं इसमें दालें भी पूरी कवर करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। लेकिन अगली वीडियो जो मैं बनाने जा रही हूँ वो दाल और दलिया के ऊपर बनाऊंगी, तो अगर आप दाल और दलिया भी खरीदना चाहते हैं तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। मैं मर्चेंट्स के आपको सैंपल्स भी दिखाऊंगी, फ़ोन नंबर भी जूम करके दिखाऊंगी, और साथ में आपको उसके रेट भी बताऊंगी। तो अगर आप परचून की दुकान चलाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितना सामान और किस रेट में और किस क्वालिटी का लाना है। ये है प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, ये भी ग्रेन ट्रेडर्स है, 3970 नया बाजार। और यहाँ पर है सिर्फ चावल, अलग अलग क्वालिटी में और अलग अलग रेट्स में। आप ये जो रेट देख रहे हैं ना, जैसे इस पर लिखा है 7600 रुपये, तो ये 7600 रुपये किलो पड़ेंगे आपको। 25 किलो का कट्टा होता है और इस तरह की क्वालिटी होती है। तो आप अगर व्यापार करते हैं चावल का तो आप ज़रूर इनसे कॉन्टेक्ट करें। क्वालिटी देख रहे हैं चावल की और रेट देख रहे हैं। ये जैसे है 5900, इसका मतलब है ये 59 रुपये किलो पड़ेगा आपको 25 किलो के कट्टे में। ये 79 रुपीज केजी पड़ेगा आपको 25 किलो के कट्टे में। क्वालिटी आप देखिए, साइज देखिए चावल का, क्लियरिटी देखिए और कलर देखिए, और इस हिसाब से देखिए कि आपको कौन सा चावल चाहिए। लेकिन ये याद रखिए ये होल सेल मार्केट है। मैं आपको इसका बोर्ड दिखाती हूँ, ये देखिए, ये दुकान है प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, अरिहंत पल्सेस, दिल्ली धमाका। और यहाँ पर है चावल अलग अलग क्वालिटी में, अलग अलग वैरायटी में। ये 5100 यानी कि 51 रुपये किलो का चावल है, और ये 3800 यानी कि 38 रुपये किलो का चावल। लेकिन ये आपको होलसेल में ही लेना पड़ेगा। ये 77 रुपये किलो का चावल है मार्केट में, ये चावल बहुत महंगा है। ये देखिए, ये 81 रुपये किलो का चावल है, 81 रुपीज पर केजी। टेस्टी टेस्टी बासमती राइस श्री हनुमान एग्रो फूड्स, 3954B नया बाजार, बंशीधर सीताराम। और मैं आपको फोन नंबर भी दिखा रही हूँ, आप जूम करके नंबर देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब वाला ये लाल वाला बटन दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर आप व्यापारी आदमी हैं, होलसेल का काम करते हैं, परचून का काम करते हैं, या फिर आप हाउसवाइफ ही हैं, घर के लिए सामान चाहिए या दुकान के लिए, इस तरह की वीडियोस देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। वर्षा जैन ब्लॉग, वर्षा की रसोई, वर्षा जैन शो, मेरे सभी चैनल्स देखते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। आई लव यू माई यूट्यूब फैमिली। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक मैं आपका इंतज़ार करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। लव यू।